लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं फॉर फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमारे सामने से गुजरेंगे kind of अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो प्लीज आप अपनी नोटबुक अपने पास रखें या ले लें और साथ साथ मेरे ये नोट करते जाएं क्योंकि देसी तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं

पहली डेफिनेशन आपके सामने है जिसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ की पॉइंट्स लिखूंगा और साथ साथ बोलता जाऊंगा नोट्स आपने खुद अपने बनाने ठीक है ये फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ए का फील्ड है ठीक है सब फील्ड कह लें आप अब ए का मतलब ये है कि जो काम हम कर रहे हैं वही मशीन करेगी तो वो ए हो जाएगी ठीक है और ये फोकस किस पे करता है ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरेक्शन पे यानी कि जब एक ह्यूमन एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है तो ये फील्ड जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये बीच में आता है एंड वेन एवर यू आर टॉकिंग एंड राइटिंग समथिंग तो वो आपको अपनी मर्जी से आंसर देता है इसकी मिसाल आपके सामने है आजकल के दौर के अंदर जब भी हम पूछते हैं चैट जीपीटी से या डिफरेंट एल्गोरिथम से कोई क्वेश्चन तो वो एन के अंडर आता है बाय द आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो उसको समझ के आपको जवाब दे रहा है तो हम कंप्यूटर से बातें आज के दौर में एनएलपी के थ्रू कर सकते हैं दिस इज एन काइंड ऑफ एआई ठीक है और ये इसका एक मेन फंक्शन क्या है एक फंक्शन मैं आपको बता देता हूं जो बहुत मेन है ये क्या करता है ये कंप्यूटर को इनेबल करता है इनेबल पी सी या कंप्यूटर्स उसको इनेबल किस लिए करता है टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट एंड जनरेट यानी कि समझने के लिए इंटरप्रेट समझाने के लिए और जनरेट करने के लिए यह तीन चीजें किस चीज को Human language को। अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कंप्यूटर जब हमारी जुबान समझ रहा है तो उसको हम एन एल पी कहेंगे नहीं वो हमारी समझ रहा है हमें समझा रहा है, और कुछ आइडिया भी जनरेट कर रहा है वेरी नियर टू ह्यूमन माइंड ठीक है सो इसको हम एनएलपी का फील्ड बोलते हैं ये बहुत बड़ा फील्ड है जैसे टाइम सीरीज का फील्ड है इसी तरीके से एनएलपी का फील्ड है इस वजह से एनएलपी एनएलपी आप बड़ा सुनेंगे जो आपके यार दोस्त आईटी की इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है ना वो आज के दौर में ये बड़ी बातें करते हैं कि यार एनएलपी छाई हुई है एनएलपी छाई हुई है तो एन कोई नई सियासी जमात का नाम नहीं है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ठीक हो गया हम आगे मूव करते हैं अब एन के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो दूसरी हमारे पास चीज आती है दैट इज टोकनाइजेशन टोकनाइजेशन जब भी आप एन पे बात करते हैं तो आप टोकनाइजेशन का प्रोसेस जरूर करते हैं ये क्या करते हैं कन्वर्टिंग द सीक्वेंस कन्वर्टिंग ए सीक्वेंस कर लेते हैं ऑफ टेक्स्ट एक टेक्स्ट की टेक्स्ट की सीक्वेंस को कन्वर्ट करता है इंटू इंडिविजुअल टोकन जो मैंने आपको पहले भी बताया इंडिविजुअल टोकन्स अब टोकनाइजेशन क्यों वर्ड यूज किया जाता है इसके पीछे एक बहुत खासियत है वो मैं अभी आपको आगे आगे समझाता हूं टोक क्या होते हैं टोकन बेसिकली होते हैं जी आपके वर्ड्स और सब वर्ड्स मतलब ये जो आपके सेंटेंस के अंदर वर्ड्स लिखे गए हैं वो या उनके जैसे सब वर्ड्स जैसे मैं कहता हूं जिब्रान इज अ गुड बॉय तो गुड के साथ आप उसको नाइस भी उसका एक वर्ड यह ना वो उसका सिनोनिम है डिफरेंट है बट न यूज दैट वर्ड एज वेल उसको टोकन कहते हैं सो so, टोकनेशन आपको समझ आ गई अब इसके बाद तीसरी चीज क्या है तीसरी चीज हमारे पास है स्टेमिंग स्टेमिंग क्या होती है डबल एम के साथ यार स्टेम क्या होता है प्लांट का ये एक प्लांट है ये इसका स्टेम है और ये यहां से लीव जा रहे हैं समथिंग लाइक दिस ठीक है तो ये जो स्टेम है हमारे पास इसको तना बोलते हैं इस वर्ड का अगर स्टेम तलाश करना है तो हमें उसका रूट वर्ड तलाश करना होगा ठीक है तो स्टेमिंग भी वही है हम यहां पे लिखते हैं इसकी अगर मैं छोटी डेफिनेशन uh, आपको बताऊं कि कनेक्ट वर्ड्स टू देयर रूट वर्ड्स मैं टोकन भी लिख सकता है यहाँ पे लेकिन एनएलपी की बात हो रही तो मैंने वर्ड्स बोला तो आप इसको टोकन ही कहेंगे अगर आप समझ पाए तो ठीक है इसकी मिसाल मैं देता रनिंग आपने यूज की है ये किस वर्ड से निकले किस एक मेन टर्म से निकले आई तो इसमें इजाफा हुआ है ना ये किस से निकले रन से एग्जैक्टली exactly. तो ये इसका स्टेम वर्ड हो गया यानी कि रूट वर्ड हो गया तो जब हम रनिंग को किसी एक वर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो रन होगा सही है इसका मतलब क्या है कि कि ये root word निकालेगा, फिर देखेगा क्यों लगा है। आपको तो पता ही है ना ये क्यों लगा क्योंकि रहा है रही है रही हैं, वो वाला इंपॉर्टेंट इट इज बोथ लिमाटाइजेशन या lematization इसे बोलते हैं ई डबल एम ए टी आई जी ए टी आई वन लिमिटाइजेशन ये क्या होता यह सेम सिमिलर टू स्टेमिंग है बट विथ फ्लेक्सीबिलिटी मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक वर्ड है बेटर तो इसका रूट वर्ड क्या होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया इसका गुड करते हैं हालांकि इनका लेना देना कोई नहीं है दोनों का लेकिन इसकी लिमिटाइजेशन ये बताती है कि अगर बेटर है तो यह सेकंड डिग्री है गुड की सही है यह भी एक स्टेमिंग की फॉर्म है लेकिन इन अनदर वे गुड बेटर बेस्ट पता है ना आपको ये तीन फॉर्म जो होती है फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री बेसिक मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं अब यहां पे मैं नहीं पढ़ा सकता सॉरी फॉर दैट अगर वो मेरा फील्ड होता तो मैं वो भी पढ़ा देता इस इस कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब NLP पे जाएं, तो पहले ठीक है ओके देन आते हैं जी हमारे पास स्टॉप वर्ड्स आज आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल भी मैं देने वाला हूं इसके बाद एक ऐप है हमारी डिफरेंट uh, उस पर जो नॉलेज है इस्लामिक नॉलेज वहां पे पड़ा हुआ है जिसका नाम इस्लाम 360 अगर आपने डाउनलोड की हो वो कैसे काम कर रही है आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसे काम कर रही है उन्होंने बेसिकली पूरे कुरान मजीद को और अरबिक लैंग्वेज के वर्ड्स उसमें रखे हुए हैं उसके पूरी की पूरी गर्दाने और सारा कुछ लगा के मशीन लर्निंग एलग्रिथम लगाए हैं सर्च बार में आप लिखते हैं कि ये फ्लाम वर्ड कितनी दफा यूज हुआ है फ्लाम बुक के अंदर या कुरान के अंदर सो इट इट शोज यू दो ठीक है तो वैसे भी अरेबिक के अंदर भी ये जो गर्दाने हैं या वर्ड्स अगर आप किसी ने अरेबिक लैंग्वेज सीखी है तो उनको पता होगा रूट वर्ड होता है फिर उससे आगे वर्ड्स निकलते हैं सही है सो बाय द वे उससे रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल मिलेगी आप कुछ और भी कर सकते हैं बाय द वे इंग्लिश के अंदर भी कोई भी बुक कोई भी आसमानी किताब निकाल सकते हैं बाइबल होगी निकाल निकालने या आपने कुरान मजीद निकालनी है तौरा निकालनी है कोई भी बुक जो है इस्लामिक होगी या वैसे किसी रिलीजियस बुक से रिलेटेड आप फिर उसको एनालाइज करेंगे यूजिंग एनएलपी मैं कैसे बताऊंगा आपको कैसे करनी बट फॉर नाउ वी विल गो टू वर्ड आर नेक्स्ट स्टॉप वर्ड्स अच्छा स्टॉप वर्ड्स के अंदर जो कॉमन वर्ड्स हैं हमारे पास मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं माई नेम इज एंड हर नेम इज अम्मारा मैं अभी बस एग्जाम्पल लिख रहा हूँ समझाने के लिए क्योंकि मैं बचपन में ना मेरी क्लास में एक लड़की होती थी हमारा उसका नाम होता था तो यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते थे किसकी अटेंडेंस लगी हुई है पर ये मेरी सेकंड क्लास की बात हो रही है सो so, यहाँ पे स्टॉप वर्ड क्या है कहाँ पे जाके फिक्रा रुक रहा है मुझे कोई बता सकता है आप जरा फिक्रे की सीक्वेंस देखें माई नेम इज अमार एंड हर नेमारा सो कहां पे हम रुके हैं यहां पे। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको स्टॉप वर्ड्स की तरह गिने जाते हैं ठीक है और जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स के uh, बोलने में रुकावट पैदा हो और आप इन्हें स्टॉप वर्ड्स कह दें। देर आर मैनी अदर वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल दी जिसका मतलब कोई नहीं है लेकिन अगली चीज का मतलब बना देता है आर्टिकल ठीक है फिर आपके पास ऑफ है फिर आपके पास एंड है एंड सो सो ऑन फोर्थ जो इस तरह के वर्ड्स हैं जिनको हम स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं इनका अपना कोई खास मकसद नहीं होता लेकिन ये किसी का मकसद बढ़ा देते हैं ऐसे ही होता है ना क्या ख्याल है तो इनको ज्वाइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं बट आर अदर थिंग्स लेकिन बेसिकली मैंने स्टॉप वर्ड बोलूंगा यहाँ पे रीजन क्या मैं आपको रीजन बताता हूं अभी मुझे एक चीज बताएं चलिए अभी बता देते हैं यहां पे मैंने नेम लिखा है इज लिखा है मार लिखा है एंड लिखा है इन चारों वर्ड्स में से पूरे सेंटेंस में या बल्कि इन पांचों वर्ड्स में से पूरे सेंटेंस में अगर मैं नंबर्स दूं इंपॉर्टेंस के हिसाब से सबसे ज्यादा नंबर किसके जाएंगे अगर इन पांचों वर्ड्स को मैं एनालाइज करने बैठूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के वर्ड्स के कि, नंबर्स किसे जाएंगे इसको पहले पे ये आ गया दूसरे पे ये आ जाएगा ठीक है अब तीसरे पे ये आ गया ठीक है चौथे पे इज आ गया

इसको बोलते हैं बो ये उनकी बात कर रहा हूं जो बेसिकली मॉडलर है ना इन चीजों के वो सीक्वेंस पूरी नहीं बोलते होते कभी भी वो शॉर्ट हैंड यूज करते होते हैं okay. अब बैग क्या करता है ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट है ये टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है इन अ सेंटेंस और इसमें हम सीक्वेंस को भूल जाते हैं मिसाल आपको देता हूँ अभी आप यही समझे बाजार से आप एक किलो वर्ड्स उठा लाए सीक्वेंस कोई नहीं है समझ आई बात की यानी कि आफ्टर टोकनाइजेशन बैग ऑफ वर्ड्स कितने हैं एक बैग में कितने वर्ड्स हैं और टोटल बैग ऑफ वर्ड्स कितने है? सही है कोई सीक्वेंस नहीं हमने टोकनाइजेशन के बाद उन्हें रखा है समझ आ गई बात की और हमेशा यह काम कब होता है आपने कभी वर्ड वर्ड क्लाउड क्लाउड बनाया एक फाइल फाइल का बनाते हैं कि इस फाइल में सबसे ज्यादा कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं उससे आगे कौन सी हुई है उससे आगे कौन सी हुई, कौन सी हुई। तो के एक है वर्ड क्लाउड की बेसिक एग्जाम्पल ये कि हर बैग ऑफ वर्ड में कितनी क्वांटिटी है देन हमारे पास आता है टी एफ आई डी एफ ये अक्सर का एन एल पी वाले इस पर बहुत तवज देते हैं इसको बोलते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी और इसको बोलते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है मुश्किल लफ्ज़ मैं एग्री करता हूं आप लोगों से आप कहेंगे ये बहुत मुश्किल है क्यों याद करने तो फ्रीक्वेंसी का मतलब तो आपको पता है ना जो चीज कितनी दफा आ रही है टर्म का मतलब है जो चीज टर्म बार बार यूज हो रही है ठीक है एक दफा हुई दो दफा हुई तीन दफा हुई इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब भी यही है कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को अगर दोबारा से चेक किया जाए उसमें कौन सा वर्ड कितनी दफा आया और वो कहां पे आया किस सेंटेंस के अंदर आया तो टी एफ आई डी एफ क्या होता है बाय द वे एज स्टेटिस्टिकल टाउन या स्टैटिस्टिकल मैयर इसे बोल देते हैं स्टैटिस्टिकल मैयर इसका काम क्या है यह फाइंड आउट करती है इंपोर्टेंस ऑफ ए वर्ल्ड इन ए डॉक्यूमेंट ठीक है जो मैंने ऊपर बात की ना आपसे किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये मैं तो मुंह उठा के यहां पे कर दिया था काम लेकिन इसके लिए प्रॉपर स्टेटिस्टिकल टर्म यूज होती है टी एफ आई डी एफ ठीक है टर्म फ्रीक्वेंसी या इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी और ये प्रॉपर आपको नंबर देती है कि फ्लाम वर्ड के इतने नंबर है इतने नंबर है ठीक है थीके? और ये डॉक्यूमेंट रेलेटिव रेलेटिव इसकी नंबरिंग होती है ये रेलेटिव नंबरिंग है ऐसे नहीं है कि स्पेसिफिक नंबर नहीं है रिलेटिव है. क्या होता है relative होता है है? टोटल कितने हैं और उसमें से सबसे ज्यादा कौन कौन सा फिर अगला, कौन से? फिर अगला कौन से? To मैंने आपसे एक ऐप बनाई थी स्टार्ट में अब मैं दोबारा पिछले वाली चीजें लिंक करने वाला हूं उस ऐप का नाम था चैट पीडीएफ करके या Ask PDF करके याद होगा आपको और वो क्या करती थी ऐप आप? आप उससे बातें करते थे कईयों ने समराइजर भी बनाया था आपके ना जानते हुए भी उसके अंदर की बेस पे सारा काम चल रहा होता है सही है ये जो टेक्स्ट समराइजर होते हैं वो कैसे आपको समराइज करके टेक्स्ट दे देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स की बेस पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेते हैं उनके सेंटेंस बनाते हैं और आपको वो डिस्क्राइब करके प्रॉपर वे में एक समराइजर बना देते हैं और अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट को बात करें तो यही फ्रीक्वेंसी रिलेटिव टू मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो जाएगी यहां पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे मतलब आप पांच पीडीएफ को एट अ टाइम अगर देख रहे हैं देन यू कैन स्टिल एनालाइज फ्रीक्वेंसी के बेस पे वर्ड्स को निकाल सकते हैं और आप प्रॉपर समराइज कर सकते हैं सो इट मीन्स वेन एवर यू आर आस्किंग समथिंग वह सबसे पहले टी एफ आई डी एफ को देखता है कि किसकी ज्यादा फ्रिक्वेंसी है अगर हमारे की वर्ड अगर आप प्रॉम्प्ट कोई लिख रहे हैं और वो बकायदा एक प्रॉपर मॉडल के अंदर यूज किया गया है की वर्ड फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस का तो वो जहां जहां पर डेटा साइंस है वो उठा के हमें चीजें दिखा देगा एंड देन उसको समराइज करेगा कि किस जगह पे डेटा साइंस सबसे इम्पोर्टेंट है क्या हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा या हमने जनरल पूछा मैं आ रहा हूं जीपीटी की तरफ भी डोंट वरी फिर आपको और भी समझ आ जाएगी इन चीजों की बट फॉर नाउ टी एफ आई डी एफ आपको क्लियर हो गया होगा एक और चीज होती है जिसका नाम है नर एन आर ये नर मादा वाला नर नहीं है बाय द वे ये डिस्कवरी चैनल पे जो होता है दिस इज एंटिटी रिक्निशन नेम्ड एंटिटी Recognition ये क्या चीज है किसी को पता है? चले मैं आपको एक रूल बता देता हूं एनएलपी का कब कब हम सेंटेंस के अंदर भी किसी वर्ड्स का पहला अल्फाबेट बड़ा लिखते हैं किसी का नाम आ जाए तब किसी कंट्री का नाम आ गया तब कोई एंटिटी आ गई तब सिटी आ गया तब तो ये वही चीज है इसने क्या करना है नेम एंटिटी रिकग्निशन कहीं पे नाम मैं सॉरी इंग्लिश में लिखता हूँ नेम क्योंकि हमारे पास इंडिया नेपाल से भी स्टूडेंट्स हैं सो नेम एंटिटी एंटिटी मतलब कोई भी एक चीज बड़ी चीज लाइक like बुर्ज खलीफा आपने लिख दिया ठीक है लाइक like खाना कबा लिख दिया लाइक को ऑस्ट्रेलिया का बड़ा स्क्रैपर लिख दिया फिर मैनी अदर थिंग्स जो नॉन एंटिटीज फिर सिटी नेम हो गया कंट्री नेम हो गया किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया लाइक ओपन ए आप लिख रहे हैं जब ठीक है सो दीज आर द थिंग्स जो आप नेम्ड एंटिटी रिकग्नेशन के अंदर लेके आते हैं अब इसके अलावा आपका टाइम्स क्वांटिटीज मोनिट्री वैल्यूज टाइम आ गया क्वांटिटीज़ आ गई यानी कि जब टेक्स्ट के अंदर हम वर्ड्स नहीं यूज करते फला बंदे का वजन अस्सी किलो है मेरा तो सत्तर किलो है सो so दो बड़ी यूनिक हैं, टेक्स्ट से हटके हैं दो थिंग्स फिर अब मोनिट्री वैल्यूज मैं एक बात करता हूं कि पाकिस्तान की जी इतनी है कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है पाकिस्तान की जी इतनी क्वान्टिटी में इतने बिलियन डॉलर या मिलियन डॉलर या वट इट इज तो वो जो चीज है वो एक यूनिकनेस हो गई हमारी उनको बोलते हैं तो है। डॉलर की करंट प्राइस इतनी है वो भी यही चीज है अल्लाह करे कि हम अपनी जिंदगी में डॉलर नीचे आता हुआ देख लें मतलब वो वाला नीचे आता हो नहीं डॉलर का रेट पाकिस्तान का नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे घर बैठे सैलरियां बढ़ रही होती है हमारी और उससे पीछे उतने अखराजा बढ़ रहे होते हैं एक जुनेद भाई हैं स्कॉलरशिप लीग वाले अगर किसी को नहीं पता पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग वाले वो सही मत मारते हैं वो जिनके स्कॉलरशिप मिले होते हैं ना उनको कहते हैं भाई बैठे बैठे आपकी डेढ़ लाख तनख्वाह बढ़ गई है एक लाख बढ़ गई आपको तो फायदा है क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ रहा होता है सो दीज ऑल थिंग्स वेन एवर यू राइट दोस्ट वो एनी आर्स -E होते हैं अब मुझे एक बात बताएं जब आप अपना प्रॉम्प्ट बना रहे होते हैं अगर एनी आर -E प्रॉपर वे में यूज करें ना तो आपको आंसर भी अच्छा आएगा मतलब ये कि आप सिटी का नाम लिख रहे हैं फैसलाबाद और आपने एफ बड़ा नहीं लिखा तो वो बेचारा कहां से एन आर्ट ढूंढेगा समझ रहे हैं बात को आई नो कि 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 उसने टेक्स्ट पूरा पढ़ा हुआ है है लेकिन स्टिल इट्स बेटर आप उसको प्रॉपर वे में बताएं एन क्या है. अच्छा जी फिर आते हैं आपके पोज ये वो तस्वीरों वाले पोज नहीं है जो अक्सर लड़के जो हैं वो तस्वीरें बनाते हैं ना अपनी फेसबुक के लिए ये हैं जनाब पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ By the way, मेरे पास डीएसएल होता था, था पता है कॉलेज लाइफ में जिस बंदे के पास डीएसएल हो ना उनके है तस्वीरों का और मेरे अभी तक दोस्त जो है वो तस्वीरें वही वाली मांग रहे मैंने नहीं दी थी सो so, यूजअली ऐसा होता है वो पीछे ब्लर करके आती थी ना नहीं नहीं वो मेरे पास था वो कैमरा सो so, यूजअली ऐसा होता है खैर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जब आप हर एक वर्ड को एक सेंटेंस में लिंक करते हैं ना तो आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं किसी को पता है? हाँ जी चलिए एक दफा सर्च कर लें कोई मसला नहीं आप मेरे साथ थोड़ा सा काम करें सारे नहीं कोई एक आधी एग्जाम्पल देख लें पार्ट ऑफ स्पीच की हम क्या करते हैं हर वर्ड का क्रॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच इसमें से फाइंड आउट करते हैं सेंटेंस के थ्रू ऐसे नहीं चलें ये आप छोटी सी असाइनमेंट लिख लें ऐसे ही काम चल है ये बाद में मुझे भेज दीजिएगा रिकॉर्ड करके ऑडियो में ठीक है पार्ट ऑफ स्पीच ये होता है और एक देसी एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ एक वर्ड है लाहौर इसका क्रॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है किसी भी एक सेंटेंस में ठीक है तो इसकी एग्जाम्पल देखिएगा ओके नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड इम्बैडिंग

उनको वेक्टर की फॉर्म में लेके जाते हैं अब वेक्टर क्या है जितने टोकन सिमिलर हैं वो एक दूसरे के पास होंगे यानी कि अगर गुड बेटर, बेस्ट नाइस नाइसर लाइट मतलब वो जितना वो आपस में एक दूसरे के पास होंगे ना उतना ही उनकी एम्बेडिंग जो है वो क्लोज होगी और वेक्टर की फॉर्मेट में वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास पाए जाएंगे मतलब ये कि जब हम टोकनाइजेशन करते हैं ना तो जब उसे टोकनाइजेशन करने के बाद वैक्टराइजेशन के स्टेप में जाते हैं तो जो क्लोज वर्ड्स वर्ड्स हैं हैं एक एक जैसे एक जैसे साउंड करने वाले वर्ड्स हैं या एक जैसे मीनिंग रखने वाले वर्ड्स हैं वो बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं तो इनको हम वैक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट करने को वैक्टराइजेशन भी कहते हैं और वर्ड इम्बैडिंग भी बोलते हैं वर्ड इम्बैडिंग यानी कि वर्ड्स को एक दूसरे के क्लोज ले आना ठीक है एक और चीज इसमें आती है फिर सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स बस ये तीन डेफिनेशन और हैं उसके बाद हम आगे मूव करने वाले सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल क्या होता है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन मतलब एक मॉडल से दूसरे मॉडल में जाना सही हो गया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जब एक मॉडल से दूसरे मॉडल में कन्वर्ट करें लाइक ट्रांसलेशन मॉडल वो क्या करते हैं माई नेमारा लिखता हूं is Amar, और इसको मैंने ट्रांसलेट करना है पहले मेरे पास माई का नेम का इज का अमार आएगा मेरा नाम है अमार ठीक है अब ये जो सीक्वेंस है ना ये तो इंग्लिश की थी सेम सीक्वेंस उर्दू में थोड़ी ना होगी डिफरेंट होगी ना इस वजह से सीक्वेंस सीक्वेंस को दूसरी sequence में कन्वर्ट करने वाले मॉडल्स होते हैं सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स वो क्या करेंगे इसको बनाएंगे मेरा नाम अमार है ठीक है सो दिस इज हाउ इट कन्वर्ट तो इसमें जो एक स्टेप होता है माई नेम इज अमार इसकी जो इस तरीके से एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये चीजें जाएंगी चारों की चारों इसको बोलते हैं इनकोडिंग इनकोडिंग के के स्टेप अंदर ये होगा कि हमारे पास इन चारों आ जाएगा और आपने देखा होगा गूगल ट्रांसलेटर पहले पहले बड़ा तंग करता था और गलत मतलब बता देता था, था हर लैंग्वेज का लेकिन आजकल बड़ा फिट बैठता है क्यों क्योंकि मॉडल ट्रेन अच्छा हो चुका है अब ठीक है फिर आता है जनाब अटेंशन मैकेनिज्म अटेंशन मैकेनिज्म क्या होगा आपको भी समझ आ रही है इससे कि ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर हर वर्ड की स्पेसिफिक अटेंशन हो ठीक है समझ आई बात की फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये जो सेंटेंस है इसके अंदर मैंने आपको बताया अमार और नाम अगर ये दो वर्ड हो जाएंगे तो इसकी बेस पे तीसरा सेंटेंस बन सकता है ये जो इंग्लिश का है तो मशीन ट्रांसलेशन के अंदर ये अटेंशन मैकेनिज्म यूज होता है मशीन ट्रांसलेशन यानी कि जब मशीन लर्निंग के थ्रू आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि एफ एफ बड़े मैटर करते हैं उसकी बेस पे सारे के सारा हमारे पास आ, अटेंशन मैकेनिज्म चलती है राइट वर्ड का आप में से कितने लोगों को पता है बर्ड क्या होता है पीई आर टी बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेश फ्रॉम ये मुझे भी नहीं याद बाय द वे मैं देख के लिख रहा हूं इसे ट्रांसफॉर्मर्स ये आपने याद नहीं करना मैं सिर्फ आपको बताने के लिए समझा रहा हूं ये बर्ड जो था गूगल का मॉडल था इन्होंने जीपीटी की तरह प्री ट्रेन मॉडल है ये बाकायदा और एन के लिए इन्होंने इसे ट्रेन किया था और इसमें बेतहाशा डेटा दे दिया था इन्होंने स्टार्ट में जितना भी इनके पास डेटा था और बर्ड के थ्रू उसके फिर उसके साथ चैट बोर्ड और डिफरेंट किस्म के उससे काम लेते थे खासतौर पर ट्रांसलेशन और डिफरेंट अदर मेकनिज्म जो है तो अगर किसी को नहीं पता तो चैट जीपीटी से पहले बर्ड जो है इसको जरा गौर से देख लीजिएगा ये बहुत पुराना है और इस पर काफी जो है वो काम ऑलरेडी हो चुका है ठीक है हाँ ओके लैंग्वेज मॉडल मैंने आपको बता दिया अब चलते हैं जी जीपीटी की तरफ विच इज वेरी इंटरेस्टिंग दीज डेज जीपीटी क्या चीज़ है पहला नाम है जेनरेटिव प्री ट्रेन देन ट्रांस फॉर्मर ये ओपन ए का मॉडल है ओपन ए जो कंपनी है आपको पता है बेहतरीन तरीके से आजकल सभी को पता है ओपन ए का नहीं पता तो आप जहां पे चैट जीपीटी यूज करें ये वही चीज है चैट जीपीटी इनका जीपीटी एल्गोरिथम है चैट जीपीटी इनका बॉट है ठीक है सो चैट जीपीटी मॉडल नहीं है जीपीटी मॉडल है बेसिकली इन्होंने किया क्या है इन्होंने मॉडल जो है अपना ट्रेन किया है एक्सटेंसिव टेक्स्ट के ऊपर जितना भी टेक्स्ट पब्लिकली अवेलेबल था

तो जारी बात है इसको ट्रेन करके चलाने के लिए बड़े डेटा सेंटर्स या मशीन भी चाहिए थी तो इन्होंने उस पर भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो इस वजह से ओपन ए ने बूम पकड़ा और चैट हमारे पास आया एंड ऐसा चैट बोर्ड बना जो अभी तक पहले अवेलेबल पब्लिकली अवेलेबल नहीं था जो इन्होंने फ्री में लॉन्च किया था विच कैन आंसर इवन द एनी काइंड ऑफ कोडिया कंटेंट राइटिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ और इसने जितनी बड़ी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी लेके आए ना ये आपके सामने मॉडल पहले भी थे लेकिन इनकी एडवर्टीजमेंट बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है वही बात कि जब किसी का रू आना हो ना तो छोटी सी बात पे भी आ जाता है तो इनका वाकई में ये जो मॉडल इन्होंने ट्रेन किया था अच्छा परफॉर्म तो कर रहा था लेकिन हर किसी की जुबान पे जीपीटी जीपीटी चढ़ पड़ा सो एट दी एंड ये आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इन्होंने ट्रेन किया फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है बार्ड आ गया गूगल का फिर लेमा आ गया आपका जी मेटा का फिर इसी तरीके से आपके डिफरेंट मॉडल्स जो हैं इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं फिर आपका क्लाउड एआई का आ गया एंथ्रोपिक का क्लाउड एआई अब इतने मॉडल्स आ रहे हैं कि हर किसी का एक्सटेंसिव वर्जन आ रहा है और शायद आपको पता हो या नहीं पता तो गूगल बहुत जल्द एक बड़ा मॉडल रिलीज करने वाला है जिसमें आप एक ही मॉडल के अंदर रहते हुए तस्वीरें भी बना सकेंगे एक ही मॉडल के अंदर रहते हुए टेक्स्ट भी जनरेट कर सकेंगे टोकन भी ले सकेंगे एंड देर आर मैनी अदर थिंग्स फिर ये जो चैट जीपीटी का जीपीटी 4 फोर आया इसकी पॉसिबिलिटीज और भी बढ़ गई लेकिन ये ट्रेन 2021 सितंबर तक है आई थिंक बाद का डेटा नहीं है बिंग ने क्या किया माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने यही मॉडल लिया डेटा अपना और दिया इसे अब ये इंटरनेट पे मौजूद जितना भी डेटा इस वक्त तक मौजूद है सारे को एनालाइज भी कर सकता है फिर लोगों ने क्या किया यही मॉडल की टेक्नोलॉजी ली और इसे HTML टी एम एल के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया पेज है गूगल क्रोम का एक्सटेंशन आपने और उसकी एक बेजर एग्जाम्पल है हारपा ए आई ये एक्सटेंशन इतनी जबरदस्त है कि अगर कोई रिसर्चर है उनको पता होगा कि जब आप पेपर को देखते हैं तो ये पूरे के पूरे उसको समराइज भी करता है और हर एक चीज अब हारपा में एक और फंक्शन आ गया कि इट कैन ऑल्सो टेक द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम यूट्यूब और ये इसको एनालाइज करके आपके सामने देता है इसके बैक एंड पे जीपीटी चल रहा है अगर आपको नहीं पता समझ आई तो लोगों ने क्या किया वही मॉडल को पकड़ पकड़ के अब डिफरेंट किस्म की एप्स और टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं और इस वक्त जितनी इसकी डाउनलोड हो चुकी है ना हारपा की बिलीव में उन्होंने अच्छे खासे पैसे पहले ही कमा रही है यही नहीं अभी और सुनी पर इसके ऊपर आप जाएं आपको पता चलेगा बैकहेंड पे जीपीटी है फिर आपके पास है जी पोई डॉट कॉम इनकी जो सब्सक्रिप्शन है ना एक सौ निन्यानवे से लेके दो सौ निन्यानवे पर ईयर है की बात कर रहा तो आप इमेजिन करें इन्होंने क्या किया है बैकहेंड पे जीपीटी लिया है उसकी एपीआई ली है उसको पैसे दिए हैं और आगे चल रहा है और पोई ने सिर्फ जीपीटी नहीं लिया क्लाउड जीपी आपका डिफरेंट जो अदर एल्गोरिथम्स है लेमा भी आ गया इसके अंदर अंदर मैंने अदर तो उन्होंने पूरे के पूरे मॉडल लेके अपनी वेबसाइट बनाई ठीक थी, है अब परप्लेक्सिटी पे क्लाउड भी आ गया लेमा टू भी है सो so, दुनिया में ए आई हुआ पड़ा है ठीक है तो वो अक्सर औकात हमारे हुआ एक सीनियर है वो कहते होते हैं कि दुनिया में लाला लाला मची हुई है किस चीज की जीपीटी की तो अगर आप जीपीटी को नहीं समझते आप किसी चीज को नहीं समझते इस दौर के अंदर इसी वजह से मैंने पिछले दिनों आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताया था अब अगर आप ये सारी की सारी टेक्निक्स को यूज करके अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटी कि आपको आंसर कैसा आएगा मैं आप बैकवर्ड इंजीनियरिंग करने लगा हूं जिसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं आपको मैं बताने लगा हूं कि आपने प्रॉम्प्ट में किन चीजों का ख्याल रखना है सबसे पहली चीज जब भी आप अपना प्रॉम्प्ट लिखें कीप इन माइंड के उसके टोकन आपने पूरे किए हुए हैं मिसाल के तौर पे आपने पूरे सेंटेंस के टोकन चेक करने हैं कि मेरे वर्ड्स कौन से हैं जिनको की वर्ड्स भी बोला जाता है की वर्ड्स यही होते हैं ना की वर्ड्स आपने देखने है कि क्या मैं वो वाले दे रहा हूं जो मुझे चाहिए और कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है एंड देन यूज डिफरेंट सिनोनिम्स क्योंकि हो सकता है जो आप चीज बार बार एक ही लिख रहे हैं वो बार बार वैसे ही आ रही है और उसका स्टेम वर्ड वो ले रहा है ठीक है डिफरेंट सिनोनिम्स लें क्यों जब आप डिफरेंट सिनोनिम्स लेंगे हो सकता है जो टेक्स्ट एक जगह पे गुड की फॉर्म में लिखा हुआ था दूसरी जगह पे वो किसी और ने बेटर की फॉर्म में लिखा है तीसरी ने बेस्ट लिखा हुआ है उसे तो आप अगर डिफरेंट सिनोनिम यूज करेंगे तो जहां पे बेस्ट लिखा होगा वो वाला टेक्स्ट भी आएगा जो जहां पे गुड लिखा था वो भी जहां पे बेस्ट लिखा था वो भी सो so, तीन सोर्सेज से आपका टेक्स्ट आपके पास आ रहा होगा रादर देन टेकिंग फ्रॉम वन सोर्स अगली चीज लिमिटाइजेशन मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट सिनोनिम यूज कर लें स्टॉप वर्ड स्टॉप वर्ड जितने मर्जी यूज करते जाए इनकी इंपोर्टेंस इतनी खास नहीं है रीजन क्या है एट द एंड उसने कॉन्टेक्स्ट को टोकनाइजेशन करना है बट बट देयर इज अ स्टॉप वर्ड जितने कम हो सके उतने यूज करें इसी वजह से लोग कॉमा का यूज ज्यादा करते हैं और सेंटेंस का यूज कम करते हैं प्रॉम्प्टिंग के दौरान रीजन क्या है स्टॉप वर्ड ज्यादा होंगे तो वो प्री ट्रेंड मॉडल्स कई और वर्ड्स को स्टॉप वर्ड समझ के रिमूव करता जाएगा फिर आप कोशिश करें टीएफ आईडीएफ अपनी खुद से माइंड में रखें कि यार मेरे की वर्ड ये हैं मेरा टॉप की वर्ड ये है ये, उससे दूसरा ये है तीसरा ये चौथा ये पांचवा ये मिसाल के तौर पे मैं सर्च करना चाहता हूँ मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के इंपॉर्टेंट कोर्सिस तो मशीन लर्निंग मेरा पहला की वर्ड है डेटा साइंस दूसरा कोर्सिस तीसरा इंपॉर्टेंट चौथा नहीं है लैंग्वेज चौथा है कि उर्दू में लेना है कि इंग्लिश में लेना है सो आई शुड हैव लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिन्हें मैं की टर्म्स बोलता है एनई आर नेम एंटिटी सिटी नेम सेंचुरी कोई क्वांटिटी उनको कैपिटल लेटर्स के साथ स्टार्ट करें हमेशा क्यों क्योंकि उसने एनई आर फाइंड आउट करनी है और उसके मुताबिक रिजल्ट देना है आर एल्गोरिथम जिन्होंने ऑटोमेटिकली इसको लगा दिया कि सर्च करो दुनिया में एन ई आर ये है या नहीं लाइक like, फैसला बाद अगर एनई आर -E है तो इसका एफ ऑटोमेटिकली वो बड़ा ही समझता उसे बट स्टिल अगर आप खुद से दे दें तो उस बेचारे का काम बच नहीं जाएगा समझ रहे हैं बात को क्योंकि वो प्रोसेसिंग को बचाते हैं खैर फिर पार्ट ऑफ स्पीच जो मैंने आपको बताया यूजुल क्या होता है आप सेंटेंस को ऐसे स्ट्रक्चर करें कि उसके पार्ट ऑफ स्पीच आए अगर कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे तो कोमा यूज कर लें वर्ड्स के साथ ये बाकी काम उसका है सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल भी उसका काम है अटेंशन मॉडल मैकेनिज्म ये भी उसका काम है बाकी मैंने आपको बता दिया एट दी एंड होप फुली इट कैन हेल्प यू टू जनरेट योर प्री ट्रेंड मॉडल प्रोमटिंग अगर आप प्रोटिंग सीख जाते हैं तो वी कैन डू ऑफ थिंग्स जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि प्रॉम्पटिंग जिस बंदे को आज के दौर में आ गई वो घर बैठा कुछ भी कर सकता है सो लेट्स सी और अब आपका टास्क ये है आपने आर एन एन का बेसिक सिंपल मॉडल जो है वो बनाना है पाइथन के ऊपर यूजिंग प्रॉम्प्टिंग लेट्स डू इट और इस लेक्चर को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं मीन वायल